गृहस्थ संन्यास से कठिन है। हमारी भारतीय संस्कृति में चार आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की अवस्था तक, दूसरा 50 वर्ष की अवस्था गृहस्थ आश्रम, और तीसरा 75 वर्ष की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम, और 100 वर्ष की अवस्था तक संन्यास आश्रम। जो है वो जीवेत शरदम, यानी 100 वर्ष का जीवन माना जाता था। तो इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है वह चौथे संन्यास आश्रम से भी कठिन है, क्योंकि सन्यासी वह होता जिसके घर नहीं होती, रसोई नहीं होती, और जिसके कोई संबंध नहीं होते हैं। उसके माता पिता भी सामने हो तो वह कहता है मेरे संसार पक्षीय माता पिता है, यानी कि वह तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है। तो इस तरीके से गृहस्थी को कितना सहन करना पड़ता है, अपने स्वयं का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण, समाज में रहता है तो समाज की सेवा करनी पड़ती है, देश की, राज्य की, और अपने भाइयों की। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई आ जाता है तो उसका भी जो है हमें सत्कार करना पड़ता है। यानी सभी दृष्टियों से जो है संन्यास आश्रम जो है से जो बढ़कर के जो कठिन आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम को अगर संतुलित रूप से जीवन का यापन किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर तो वो व्यक्ति और भी ज़्यादा मुक्ति को जा सकता है। चाहे संन्यास आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो, हमें कमलवत जीवन जीना चाहिए। यानी किसी भी आश्रम के अंदर हमें जो है हमारा क्रोध अहंकार माया लोभ जो राग द्वेष है वो न्यून होना चाहिए, वो दबना चाहिए, वो कम होते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो सिद्धांत जो है कि जो गृहस्थ आश्रम है वह संन्यास से कठिन ये सही है, क्योंकि सन्यासी को तो केवल अपने इंद्रियों का नियंत्रण ही करना पड़ता है, लेकिन गृहस्थी को जो है बहुत सी अन्य बातों का भी नियंत्रण करना होता है।